आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर वेकेशन स्पेशल आइस पॉप्सिकल्स। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में हमने ये आइस पॉप्सिकल्स बनाई हैं और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, कोई भी प्रिजर्वेटिव्स या एसेंस हमने यूज़ नहीं किया है। एज अ फन एक्टिविटी आप समर वेकेशंस में अपने किड्स के साथ ये बना सकते हैं। बहुत ही फन, बहुत ही ईजिली, बहुत ही क्विकली ये बन जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैंगो फ्लेवर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो मैंगो फ्लेवर के लिए हम एक मिक्सिंग बॉल में हाफ कप चॉप्ड मैंगो लेंगे। ये अराउंड 1/4 ऑफ मैंगो है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑफ शुगर और हाफ ग्लास ऑफ रेगुलर वाटर। तो ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी, ये ना ही बहुत ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, तो ये मीडियम कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है। तो अभी हम इसको एक आइसक्रीम मोल्ड लेंगे और उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं या आइस ट्रे में भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट फ्लेवर पे, दैट इज़ लेमन एंड हनी। तो लेमन एंड हनी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे लेमन जूस। तो एक हाफ लेमन का जूस मैंने यहाँ पर लिया है। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ हनी। हनी आप नहीं प्रेफर कर रहे हैं या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ पर लेमन जेस्ट ऐड कर रहे हैं। मैं ग्रेट करके यहाँ पर ये डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत रिफ्रेशिंग फ्लेवर आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 ग्लास ऑफ वाटर, रेगुलर वाटर, और ये एक पिंच ग्रीन फूड कलर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो फूड कलर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये ऑर्गेनिक फूड कलर था इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है और इससे काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेबल ये लगेगा। तो अभी ये एकदम रेडी है इसको मिक्स करने के बाद। अब हम ये पोर कर लेंगे एक आइसक्रीम मोल्ड में। अगेन आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप आइस ट्रे या ग्लासेस में इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट फ्लेवर पर। नेक्स्ट हम बना रहे हैं रोज़ फ्लेवर। तो रोज़ फ्लेवर के लिए हम एक मिक्सिंग बॉल में 3 टेबल स्पून रोबज़ा लेंगे। रोबज़ा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप रोज़ एसेंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ आप रोज़ एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वान्टिटी आप रोबज़ा से हाफ रखेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर, साथ ही में जाएगा 1/2 टेबल स्पून फेनल सीड्स का पाउडर। फेनल सीड्स यानी जो हमारी सौंफ होती है उसका पाउडर, एंड 3/4 ग्लास ऑफ वाटर। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे जब तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें जो शुगर है वो डिसॉल्व नहीं हो जाती है। आपको जल्दी करना है तो आप एक बार इसको ब्लेंड कर लें मिक्सर में और आपकी शुगर क्रश हो जाएगी। तो इसको भी हम पोर कर लेते हैं एक आइसक्रीम मोल्ड में। और स्टिक्स हम इंसर्ट कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये फ्रीज करने के लिए एकदम रेडी है। तो हम इसको 7 आवर्स या ओवरनाइट के लिए फ्रीज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी आइसक्रीम्स फ्रीज हो जाएंगी तो हमें ये नॉर्मल वाटर लेंगे और उसमें डिप करेंगे अपना आइसक्रीम मोल्ड या जिस भी चीज़ में आपने फ्रीज किए हैं उसको हम डिप करेंगे। इससे क्या होता है जो पॉप्सिकल्स हैं वो उसकी एजेस छोड़ देती हैं और वो ईजिली डीमोल्ड हो जाती हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।